आप पार्टी में इस समय संकट के बादल हैं। कल दिल्ली में भाजपा के लोग के साथ आप पार्टी के एमएलए, पूर्व एमएलए और सिटिंग एमएलए काफ़ी लोग सभासद चले गए थे और आज तमिलनाडु की पूरी पूरी इकाई भाजपा में चली गई, आप पार्टी की पूरी पूरी इकाई, और वो लीडर चले गए जो साउथ के आधार थे आप पार्टी का, वो आप पार्टी छोड़ के भाजपा में चले गए। देखिए, तमिलनाडु के 40 बड़े लीडर जिसमें अन्नामलाई जी भी हैं उनके नेतृत्व में, और ये सब भाजपा में शामिल हो गए। और आप पार्टी के लिए आपको बता दें, ये लोग अभी से नहीं जुड़े थे अन्ना आंदोलन में, और आप पार्टी को बहुत ज़्यादा मदद साउथ से हुई, खास तौर से तमिलनाडु के में आंदोलन में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सहयोग किया तो आप पार्टी ने, और आप पार्टी को दिल्ली में खड़ा करने में तमिलनाडु के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। हालांकि तमिलनाडु में केजरीवाल गए नहीं, वहां पर वहां उन्होंने किया, परंतु वहां से हमेशा मदद मिलती रही, इन्होंने कोई मदद वहां नहीं की, और तमिलनाडु के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को कुछ भी नहीं किया, दलित से कोई मंत्री नहीं बनाया। अब पूरी पूरी आप पार्टी जो है वो तो आज भाजपा में है। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है, पूरी पूरी पार्टी, बहुत बड़ी बात है कि एक एक कार्यकर्ता और एक एक पदाधिकारी चले जाए। आज तमिलनाडु आम आदमी पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग टीम के प्रदेश अध्यक्ष श्री टी के तमिलनेंजम के नेतृत्व में तमिलनाडु आम आदमी पार्टी के राज्य एवं जिला कार्यकारिणी के सदस्य, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों से प्रभावित होकर वे भाजपा में शामिल हो गए। अन्नामलाई जी ने कहा कि मैं उन सभी नेताओं का स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मजबूत भारत और विकसित तमिलनाडु के हमारे लक्ष्य को दिशा में अथक प्रयास करेंगे। अब आप देखिए, तमिलनाडु में भाजपा का आधार बढ़ा है, वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है। इधर आपको बताना है, तमाम वरिष्ठ अधिकारी रिटायर्ड, तमाम बुद्धिजीवी, अन्य दलों के लोग भी भाजपा में आ रहे हैं, चूँकि भाजपा के केंद्र में सरकार है और भाजपा ही कावेरी विवाद को सुलझा सकती है। और दूसरा, कर्नाटक के और तमिलनाडु के पानी के बंटवारे पे सबसे अच्छी भूमिका खास तौर से नरेंद्र मोदी जी की मानी जाती है, जबकि कर्नाटक में भाजपा की सरकार भी थी, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशली इंटरेस्ट लेकर के और कर्नाटक को दबाव बना करके कर्नाटक से पानी दिलाया था। अब तमाम योजनाएं जो नरेंद्र मोदी जी की है वो तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु में आम आदमी सोच रहा है, मगर चूंकि पार्टी कमज़ोर थी, पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं था, ये भी एक पार्टी के साथ माइनस बहुत बात थी। दूसरी आपको बताना है, जिस समय नई संसद बनी है उसमें नई संसद में जो एक मेन यंत्र था जिसको नेहरू जी की छड़ी के रूप में संग्रहालय में रख दिया गया था, वो तमिलनाडु का था। तमिलनाडु से के पुजारियों से पूजा कराना, कन्याकुमारी में जा कर के ये वोटिंग के बाद मोदी का जा कर के वहाँ एकांतवास, मौन व्रत, और जा कर के वहाँ पर में जा कर के व्रत रखना, ये सब तमिलनाडु में एक प्रभाव पड़ रहा है। और आपको बताना है कि वोटिंग के बाद से तमिलनाडु की पब्लिक, ऐसा लोगों का कहना, लगभग 7-8% मोदी भक्त हो गई, उसी का परिणाम दिख रहा है। आप देखिए, तमिलनाडु में आपकी पूरी पार्टी बीजेपी में शामिल, केजरीवाल भयंकर सदमे में हैं और एडी के एक्शन से आप प्रवक्ता, आप बबूला हो गए हैं, और सौरभ भरद्वाज वगैरह इन सब ने अभी मीटिंग की है। खबर ये आ रही, तमाम अन्य राज्यों से भी जा रहे लोग, चूँकि तमिलनाडु कुछ लेता नहीं था, आपको मदद करता था, इसलिए पूरी आपको बता रहे हैं कि आप पार्टी हिल गई है। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी का अन्नामलाई जी को स्पेशल आशीर्वाद रहता, अन्नामलाई जी बहुत सीनियर अधिकारी रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने जो कार्य किया है वो आज भी लोग याद करते हैं, इसके बाद वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने।
आप देखिए, आप पार्टी की अभी जो मीटिंग हुई है उस पर भी इस बात की चिंता व्यक्त की गई कि तमिलनाडु की इकाई का जाना निस्वार्थ भावना से ये साउथ इंडिया में काम कर रही थी। इसके अलावा आपको बतलाना है कि पूरी दिल्ली में समय आग लगी हुई, आप पार्टी के संगठन में, आप पार्टी के तमाम नेता, मंत्री राजकुमार आनंद, विधायक या विधायिका आनंद और तंवर, मौजूदा कई सभासद, तमाम लीडर आप पार्टी से भाजपा में चले गए। दूसरी बात, आप पार्टी से जितना दलित लीडर था मेन और सिख लीडर और कांग्रेस का भी सिख लीडर जैसे लवली वगैरह के जाने से भाजपा की बहुत बड़ी मजबूती हो गई। दिल्ली में विद्रोह की स्थिति है। दिल्ली में आपको ये भी बता दें, आप पार्टी के राज्यसभा सदस्य भी इस समय टोटल आप पार्टी के साथ नहीं, पिछले कई महीनों से आप पार्टी के कई राज्यसभा सदस्य इनका कहना भी नहीं मान रहे हैं। और आपको बताना है, पूरे विद्रोह की स्थिति है। तमाम MLA, तमाम सभासद वो चुनाव से पहले ये चाह रहे हैं कि आप किसी तरह उनको BJP में शामिल होने को मिल जाए। वहीं कांग्रेस में भी तमाम लीडर आपको बताना है, आप उनके गठबंधन की वजह से, आप पार्टी के कांग्रेस से गठबंधन ने कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। तमाम लीडर BJP में जा रहे हैं। अब आप पार्टी अपने को बचाने में लगी हुई। वहीं आपको बता रहे हैं, हरियाणा में भी कई लीडर BJP में चले गए। बहुत ही जल्द आप सुनेंगे कि दिल्ली में बहुत बड़ा राजकुमार आनंद ने भी बोला, और हरियाणा की लगभग आधे से ज़्यादा इकाइयां जो हैं भाजपा से कांटेक्ट कर चुकी हैं और वो आश्वासन चाहती हैं, वो भी जा रही हैं भाजपा में। इसके अलावा आपको बतला दें कि पंजाब में ये पोजीशन है। पंजाब में बहुत स्पष्ट रूप से बात है कि वहाँ पे दो गुट हैं। ये केजरीवाल लागू चड्ढा को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे, मान को हटाना चाहते थे। मान हटेंगे नहीं, मान ने स्पष्ट कह दिया था केजरीवाल जी से कि आप अपने दायरे में रहें, हम अपने दायरे में रहें। आप एक छोटे राज्य के चीफ मिनिस्टर, मैं बड़े राज्य का हूँ, आपको जो भी समझौता करना हो, आप बड़े हैं, हम आपका सम्मान करते हैं और आप पार्टी में चूंकि बड़े हैं इसलिए मैं, आप दिल्ली में कांग्रेस से समझौता कर लीजिए, मैं आपको हरियाणा भी दिए दे रहा हूँ, गुजरात भी, और जगह आप टांग मत अड़ाइए। और केजरीवाल जी ने सिर्फ एक सौदा कर लिया स्वार्थ बस दिल्ली में, यही वजह है कि दोनों पार्टियाँ ख़त्म हो गई। यही पोजीशन रही आपकी, हरियाणा में एक भी सीट नहीं मिली और गुजरात में भी एक सीट नहीं मिली। अब आपको बता रहे, पूरी पार्टी में ये पोजीशन है कि केजरीवाल के पैर जहाँ जहाँ पड़े वहाँ वहाँ सत्यानाश हो गया। इसके अलावा सुनीता केजरीवाल जी भी जहाँ जहाँ गईं उनके पैर पड़े तो वहाँ पर भी सत्यानाश हो गया। वो छत्तीसगढ़ गई, वहाँ से कांग्रेस और उनकी पार्टी सोरेन की ख़त्म हो गई, उनको सीटें नहीं मिली, दिल्ली में नहीं मिला, गुजरात ये गई, गुजरात में नहीं मिला। दूसरी बात है, केजरीवाल जी ने तेलंगाना में गठबंधन, तेलंगाना में के कविता जी से और उनसे, उनके ग्रुप से दोस्ती की, तो वहाँ से BRS के मुख्यमंत्री से हटा दिए गए और के कविता जेल में। अब आपको बताने नया आगे जो है, गुजरात में, गोवा में, इन सब जगह आप पार्टी टूटने जा रही, इसीलिए मीटिंग कर रहे हैं और ये सब भाजपा में जा रहे हैं। भाजपा के लोग पूर्णतया नेताओं को साबित नहीं कर रहे, अपने शामिल नहीं कर रहे, चूँकि वो लोग टिकट का आश्वासन चाह रहे हैं। अब देखिए, आप पार्टी के नेताओं के सीन देख के आप में खलबली मच गई है। आपने देखा होगा दिल्ली से यहाँ पर और तमाम जगह, सिर्फ UP की एक इकाई ऐसी लग रही है जो संजय सिंह के नेतृत्व में मजबूत दिख रही है। मगर संजय सिंह को अगर दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, केजरीवाल का इस्तीफा नहीं देंगे, तो आपको बताना है वो दिन दूर नहीं है जब पूरी पार्टी में विखंडन हो जाएगा। आज मनोज तिवारी ने भी बात की है और उन्होंने भी कहा है कि हर सूरत में केजरीवाल को इस्तीफा। इधर कांग्रेस भी दबाव बनाए हुए, आप भी, और आप पार्टी बिल्कुल, आप समझ लीजिए, टूट रही है, अन्य दलों में जा रही। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।